हेलो दोस्तों, मेरा नाम शेष कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है आप सभी के लिए। अगर आप एक वीडियो क्रिएटर बनना चाह रहे हो या एक यूट्यूबर, तो आप लोगों के पास में तीन चीज़ों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है कि अपना खुद का वीडियो हम कैसे शूट करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा वीडियो शूट करने के बाद हम उसे एडिट कैसे करेंगे, एडिट करने के बाद में हम वीडियो को अपना पब्लिश कैसे करेंगे। मान लीजिए आप यूट्यूब पर अपना वीडियो को पब्लिश करना चाहते हैं, तो जेन्युइन तरीका जो है उसका पब्लिश करने का, टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन कैसे डाला जाता है, सारा कुछ मैं आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा होने के चलते मैं यहाँ पर मैं बता दूँ, ये वीडियोस में तीन पार्ट में लेके आऊँगा। सबसे पहला जो अभी मैं बना रहा हूँ कि वीडियो कैसे शूट करते हैं अपने मोबाइल या कैमरा से, वो बताऊँगा। पार्ट टू में आएगा हमारा जो वीडियो मैंने शूट कर लिया उसे एडिट कैसे करते हैं। पार्ट थर्ड में आएगा जो मैं वीडियो को कैसे पब्लिश करूँगा, या आप अपना कोई वीडियो बना सकते हो उसे कैसे पब्लिश करोगे जेन्युइन तरीके से, यानी पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। इस तरह से तीन पार्ट लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके अच्छी तरह से कि वीडियो को कैसे एडिट करना है, वीडियो बनाना कैसे है, वीडियो पब्लिश कैसे करना है, यानी सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो आप लोग के लेके आते रहता हूँ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अपना वीडियो हम शूट कैसे करें। तो वीडियो शूट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास एक कैमरा होना चाहिए, चाहे आपके पास DSLR हो या तो आपके पास एक मोबाइल फ़ोन, उससे भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो भी बिगिनर होते हैं, जो भी यूट्यूबर होते हैं, या यूट्यूब क्रिएटर हो या वीडियो क्रिएटर हो, उनके पास कैमरा नहीं होता, वो अपने स्मार्टफोन से ही वीडियो शूट करते हैं। तो आपके पास भी एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसका कैमरा क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप चाह सकते हैं तो यहाँ पर आपके मेरे पास देख सकते हैं कॉलर माइक है, वो आपके पास जरूर होना चाहिए ताकि आपका वॉइस क्वालिटी हो वो बेहतर आ सके। अगर ये आपके पास नहीं है तो अपना हेडफोन लगा कर भी आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक कैमरा स्टेबल रखने के लिए आपको एक स्टैंड का बनाना पड़ेगा या तो खरीद करना पड़ेगा। साथ में साथ यहाँ पर जैसे मैंने बैक साइड में ग्रीन पर्दा लगा कर रखा, कि मान लीजिए मैंने अपना कैमरा से वीडियो शूट किया, अब इसके पीछे का मुझे बैकग्राउंड चेंज करना हो, तो ग्रीन पर्दे की मदद से हम अच्छी खासी अपना वीडियो का बैकग्राउंड बना सकते हैं। दूसरा, हमारे फेस पर लाइटिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, तो उसके लिए सामने दो चार लाइट लगा लेने हैं। तो यानी इस आपको एक फर्स्ट वीडियो शूट करने के लिए क्या करना चाहिए, आप अपना एक मोबाइल बढ़िया सा जुगाड़ कर लीजिए, उसके बाद एक स्टैंड रख लीजिए ताकि आपका मोबाइल स्टेबल रहे। दूसरा, तीसरा यहाँ पर आता है आपका एक माइक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जहाँ पर आप रहेंगे वहाँ पर अच्छी खासी रोशनी होनी चाहिए, या आप लाइट लगा लीजिए या तो अपने आउटडोर में कहीं भी शूट कर लीजिए, ताकि आपका बढ़िया सा चेहरा या आपका पूरा फेस अच्छे से कवर हो सके। तो इस तरह से आप एक बढ़िया अच्छा क्वालिटी में वीडियो शूट करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा था हमारा पहला पार्ट, हम मिलते हैं सेकंड पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। तो दोस्तों, पार्ट टू में मैं बताऊँगा आप लोगों को वीडियो जो मैंने अभी शूट किया इसे एडिट कैसे करते हैं।